गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का ये ब्लॉग हम लोग करने जा रहे हैं, एक रेसिपी ब्लॉग, जहाँ कि हम लोग बनाएंगे कुछ स्नैक्स। आप लोग जानते हैं कि घर में रहने से कुछ छोटा छोटा भूख लगते रहता है बच्चा लोग को, तो हमने सोचा कि चलो आज निमकी बनाया जाए। तो चलिए फिर लेट नहीं करते हैं और निमकी बनाने स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग लेंगे मैदा 1/2 kg। अब हम लेंगे सूजी, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा लेंगे, क्योंकि सूजी से थोड़ा कुरकुरापन आता है निमकी में और टेस्ट भी अच्छा होता है। फिर यहाँ मैं डालूँगी नमक, ज़्यादा नमक नहीं, हल्का सा नमक डालेंगे। फिर उसके बाद डालेंगे मंगरेला। अब बीच में मैं गड्ढा कर लूँगी और एक कलछुल ले लूँगी, ये साइज़ का आपको कलछुल लेना है। और मैं यहाँ डालूँगी रिफाइन, आप लोग चाहे तो घी का भी मुहिम दे सकते हैं। यहाँ 2 कलछुल में रिफाइन डालूँगी, आपको बस यही कलछुल से 2 कलछुल डाल देना है। 1/2 kg पे 2 कलछुल रिफाइन, एकदम अच्छा मुहिम तैयार होता है उससे। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इस तरह से मिलाएंगे कि इसमें कोई भी गुष्टी नहीं होना चाहिए, पूरा प्लेन तरीका से मिल जाना चाहिए। और इसे हम एक हार्ड डो की तरह सान लेंगे। अब ये डो हमारा तैयार हो गया। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड रख देंगे और स्टेप को हम अच्छी तरीके से इसे कोच लेंगे। हम डो को ले रहे हैं और इसे अच्छी तरीके से मिला के इसको लंबा में रोल करेंगे और एक नाइफ की मदद से हम लोग इसको कट कर लेंगे बड़े बड़े पीसेस। अब इसे हम क्या करेंगे कि एक एक ठू लेंगे और उसको बेलेंगे अच्छी तरीके से, हल्का पतला में बेलेंगे जैसा निमकी का रहता है। श्वेता बेल रही है वहाँ। ये हम लोग लंच बनाने के टाइम में निमकी बना रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ चावल बना रही हूँ और उधर श्वेता निमकी कट कर रही है। तो चलिए आप लोगों को फिर से एक बार अच्छी तरीके से इसको दिखा दे यहाँ मैंने क्या क्या किया है। तो ये देखिए, जैसे कि ये लोहिया मैं बेल रही हूँ ना, इसको दिखाती हूँ कैसे मैंने कट किया है। ये देखिए, ये पूरा लोहिया बोलते हैं हम लोग, इसको लंबा में करके नाइफ से इसको कट कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको पूरा अच्छी तरीके से इसको बेल लेंगे, हल्का पतला में बेलेंगे, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, जैसा निमकी होता है उस तरह से हम लोग बेलेंगे इसको। देखिए घुमा घुमा के बेलते जा रहे हैं और लास्ट में जो है हम लोग इसको एक बार अच्छी तरीके से बेल लेंगे ताकि वो स्लैब में अच्छी तरीके से चिपक जाए। देखिए इसको अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर चिपका दिया। अब हम लोग नाइफ लेंगे और पहले इसको लंबा लंबा कट करेंगे, इस तरह से सीधा सीधा थोड़ा थोड़ा दूरी पे लंबा लंबा कट कर लेंगे। फिर नाइफ को स्लांट करेंगे, स्लांटिंग वे में फिर इसको कट कर लेंगे। अब देखिए इसका शेप कितना अच्छा आया है। अब इसको रोल कर करके हम लोग इसको साइड कर देंगे, है ना, बड़ा ही आसान तरीका से बन गया। अब यहाँ पर मैं और श्वेता इसको जल्दी जल्दी बना लेते हैं। देखिए जब श्वेता बेल ले रही तो सब कोई बेल लेगा ना श्वेता। देखिए इसमें आने का वो नहीं है, अगर आप पहला बार भी कर रहे हैं तो आसानी से कर सकते हैं,
जैसे यहाँ श्वेता कर रही है, आराम से बेल रही है। अब बेलने बाद इसको दिखाते हैं कि ये कैसे क्या करती है। देखिए ये बेल ली, अब देखिए आराम से ये कट भी कर लेती है। इसीलिए आप लोग भी आराम से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये भी इसका फर्स्ट टाइम ही है। और देखिए कितना अच्छा से ये बन गया इसका निमकी, है ना। गरम हो चुका, ये ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बेला हुआ निमकी। मीडियम फ्लेम पे हम लोग इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे जब तक ये हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाए। जो निमकी का कलर होता है वैसा नहीं हो जाए तब तक हम इसको चलाएंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। जैसे कि देख रहे हैं कि ये बन चुका है, अब हम निकाल लेंगे उसको। निमकी का साउंड से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितने करारे हैं, है ना। बहुत अच्छा निमकी का कलर भी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को एंड करती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।